हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की जो अभी अभी वैकेंसीज आई हैं और जो नोटिफिकेशन आई है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या कुछ उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या उसके लिए आपको क्या जॉब है, क्या सिलेबस है, लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी बात को। देखिए, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। टोटल आपकी वैकेंसीज हैं 9027, ये आपकी कैटेगरी में है। अनरिजर्व कैटेगरी की 3613 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 902 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 2423 वैकेंसीज हैं, एससी की 1895 वैकेंसीज हैं, एसटी की 180 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी यहाँ से आप देख सकते हैं 9027 वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 9027 वैकेंसीज आपको यूपी के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इसके अलावा जो बात है, इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं 1805 के अलावा। ये आपकी इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है आपका 2% आपके फ्रीडम फाइटर्स के लिए 180 वैकेंसीज, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 451 और महिलाओं के लिए आपके 1805 वैकेंसीज आपकी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती हैं टोटल वैकेंसीज। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, ये प्लाटून कमांडर ये वैकेंसीज हैं यूपीएसआई उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हैं। इसके अलावा ये हैं प्लाटून कमांडर पीएसी में, इसके लिए 484 वैकेंसीज हैं। अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी की 194 आपकी, ईडब्ल्यूएस की 148, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की 131, एससी की 101 और एसटी की 10 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। इसमें भी आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो कि फ्रीडम फाइटर्स और आपके भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए भी वैकेंसीज हैं, इसमें टोटल 23 वैकेंसीज हैं। अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 5 और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 वैकेंसीज हैं। इसमें भी आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसके अलावा यहाँ पर वो लिखते हैं, इसके आगे की बात है आपका उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर चयन अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्रासामान्यकृत अंकों के श्रेष्ठता एवं उनके आवेदन में अंकित प्रथम द्वितीय व तृतीय ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर लिया जाएगा। यानी कि जब फॉर्म भर रहे हैं आप तो आपसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वो पूछेंगे और उसी के आधार पर आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आपने प्रेफरेंस में पुलिस डाल रखा है और आपके मार्क्स उस हिसाब से आ जाते हैं तो आपको वो मिल जाएगा और उसके अलावा बाकी की मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेट्स हैं वो याद रखनी है। आरंभ जो है आवेदन जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, यानी कि अभी मार्च में नहीं 1 अप्रैल से होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस वजह से ये दबाव बना है और कहां से ये वैकेंसीज तुरंत आई हैं। अदरवाइज जो जिसके लिए एप्लीकेशन 1 अप्रैल से लिया जाना है उसके लिए अभी से नोटिफिकेशन निकालना बड़ी बात है। आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन पत्र सबमिट करने की आखिरी तिथि होगी 30 अप्रैल। आवेदन शुल्क कितना है, 400 रुपये का फॉर्म है जो आप लोग भर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है आप ये देख लीजिए। राष्ट्रीयता, इसके लिए पहले आप भारत के नागरिक हों, तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1962 के पहले भारत आ गया हो, भारतीय मूल का निवासी हो, भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से यहाँ पर ऐसा ऐसा हो, अगर इनमें से कोई है तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना तो जारी किया हो ना लेन देन से इनकार किया हो, किसी परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल लोगों के लिए कुछ बात है। अगर आप नॉर्मली इंडियन सिटीजन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अगर आपके पास है तो आप यानी कि एसआई के लिए प्लाटून कमांडर और पीएससी के लिए एलिजिबल हैं। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए विश्वविद्यालय में विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप आर्ट्स से पढ़े हैं तो आप एसआई के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप साइंस से साइड से हैं और अगर साइंस स्ट्रीम से हैं और अगर आपने आर्ट्स पढ़ा हुआ है तो अगर आर्ट्स पढ़ा है और साइंस स्ट्रीम से नहीं है तो आप इस वाली जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते, बाकी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यूपीएसआई और प्लाटून कमांडर के लिए आप हर व्यक्ति एलिजिबल है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, यानी कि बीएससी या बीटेक या कुछ बीसीए वगैरह कर रखा है। ठीक है, अब इसके अलावा आगे की बात जो है यहां पर लिखते हैं,
हाँ, इसके अलावा वो ये कहते हैं कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता जो है उसकी, मान लीजिए कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन बीएससी नहीं कर रखा, वो कुछ और कर रखा है, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बोर्ड अपने आप से डिसाइड करेगा। ठीक है, ये अधिमानी अर्हताएं हैं, यानी कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया कि जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैंने, मेरे पास ना डोएक सर्टिफिकेट है ओ लेवल, ना ही मैंने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा दी हुई है, ना ही मेरे पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है, लेकिन मैं भी इसके लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि ये डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें हैं तो फिर इससे ये है कि जिस, अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर आते हैं तो फिर उस व्यक्ति को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो एज वाली बात को हम जरा ध्यान से देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है एज के लिए। यहाँ पर एज के लिए वो कहते हैं, देखिए लिखते हैं कि 1/7/2021 क्रूशियल डेट है, को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो। यानी कि अगर आप 21 to 28 हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपका जन्म 1/7/1993 से पूर्व ना हुआ हो और 1/7/2020 के बाद ना हुआ हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो सरकारी सेवा में समायोजन के लिए उपयुक्त हो, ये साधारण सी बात है। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति को भी देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति ने, पुरुष या फिर महिला ने, एक से अधिक शादी कर रखी है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर किसी महिला ने किसी ऐसे पुरुष से भी शादी कर रखी है जिसने एक से अधिक शादियां कर रखी हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, शारीरिक स्वस्थता, किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिसे उसमें कर्तव्यों को पालन में दिक्कत हो सकती है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, तो ये आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बता रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन फॉर्म होगा उसमें आपकी हिंदी आएगी, 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स की हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस आएगी 100 मार्क्स की, मानसिक योग्यता यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 100 मार्क्स का, और रीजनिंग आएगा 100 मार्क्स का। टोटल आपके 400 मार्क्स का पेपर होगा। हिंदी आएगा पेपर में आपके, जीएस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और आपका रीजनिंग आएगा, 4 सब्जेक्ट आएंगे। ये 400 नंबर का पेपर होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे की, 120 मिनट की। ऑनलाइन मतलब पेपर होगा, ये आपका लिखित तो क्या ही है, उसमें ऑनलाइन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव तरीके से, 120 मिनट का, 2 घंटे का। ऑनलाइन अभ्यर्थियों की संख्या के, हाँ, जैसे कि चूंकि बहुत सारे पालियों में यानी कि अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होगा, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जिसे इक्वी परसेंटाइल मेथड लागू करके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा जैसे कि एसएससी करती है। ठीक है, सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में कम से कम, ये देखिए कहने का मतलब ये इसलिए बनाया गया है, मैं आपको इस वाले पॉइंट के बारे में बता दूँ, ये पॉइंट इसलिए है कि मान लीजिए कट ऑफ जाती है, मोटा मान लीजिए 400 नंबर हैं और 400 में से कट ऑफ चली जाती है मान लीजिए 350, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लिया तो, और मान लीजिए हिंदी में आपके नंबर हैं सिर्फ 20 और इसमें आपके पूरे, इसमें आपके, मैं कहता हूँ इसमें आपके हिंदी में नंबर हैं आपके 50 और इसमें नंबर हैं आप, कट ऑफ थोड़ी मैंने ज़्यादा बता दी, मान लीजिए 300 नंबर कट ऑफ है। ठीक है, अब इसमें नंबर आते हैं आपके 20 और इसमें आते हैं 300 में 300, अब आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 320, लेकिन आप अभी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको आप पढ़िए ध्यान से। कहते हैं कि अगर आपके, एक सेकेंड, हाँ इसको ध्यान से देखिएगा, कहते हैं कि प्रत्येक विषय में 35% अंक, हर सब्जेक्ट में कम से कम 35% अंक होने चाहिए और कुल 50% अंक आने चाहिए। यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी, इसमें भी मिनिमम 35 नंबर आने चाहिए, इसमें भी मिनिमम 35 नंबर आने चाहिए, इसमें भी मिनिमम 35 नंबर आने चाहिए और इसमें भी मिनिमम 35 नंबर आने चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके, मिनिमम 35 मार्क्स आने चाहिए और टोटल 50% मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर इन्होंने दी हुई है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके मार्क्स की। इसके अलावा आगे कहते हैं, 4 विषयों में प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों के प्राप्त मूल अंकों का प्रथम, मतलब नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन की आगे की बात करते हैं वो। ठीक है, हाँ यहां पर वो फिजिकल क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर से कम है तो
तो आप एलिजिबल नहीं है, कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है, और छाती यानी सीने के लिए भी है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 मीटर्स बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है, ठीक है। महिलाओं के हेतु क्या है आपका, महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर्स है, वजन जो है महिलाओं में क्वालिफिकेशन होती है 40 किलो केजीज की। शारीरिक दक्षता जो है वो यहाँ पर जाँच होगी, जिसमें 4.8 किलोमीटर की दौड़ की जाएगी 28 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों को 2.5 किलोमीटर लगभग 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरा करना होगा, ठीक है। जो भर्ती ये जो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप फॉर्म कहाँ से भर पाएंगे, दक्षता जो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इस वेबसाइट पे दी जाएगी, ठीक। इसके अलावा मेडिकल होगा, जो कि आपका चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि मेडिकल होगा जिसमें आप लोगों की मेडिकल चीज़ें चेक होंगी, ठीक है। इसके अलावा आरक्षण व आयु सीमा में छूट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कितना आरक्षण है और कितनी कितनी छूट है, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गोद लिए जाने बच्चों से रिलेटेड है, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एससी है और उसने कोई जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा गोद ले लिया है, तो वो बच्चा भी एससी में ही काउंट होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में जानकारी है, तो जिनका भी ईडब्ल्यूएस बन सकता है वो लोग बनवा लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिट रहता है, ठीक है। और ये मैंने जो आपको बताया ये आपकी अधिमानी अर्हता है, यानी कि अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया जो है वो आप ऑनलाइन भरेंगे, यूपी ये वेबसाइट है upbpd.gov.in, ये वेबसाइट है, इससे आप फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाकर आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें पहला चरण होगा जिसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगी, उसको आप ध्यान से नंबर नोट कर लीजिएगा, पासवर्ड वगैरह। सेकंड चरण होगा जिसमें आपके से आगे की जानकारी ली जाएगी, फोटो हस्ताक्षर वगैरह लिया जाएगा। लॉगिन करें फॉर्म में मांगी गई फोटो को ध्यान से भरिएगा, नवीनतम रंगीन फोटो ही भरें, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फॉर्म कई बार रिजेक्ट होता है, फिर आप बाद में रोते हैं। तो और तृतीय चरण में आपको फॉर्म की फीस सबमिट करनी है, ठीक है। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए फोटो में, और 6 महीने के भीतर लिया हो जाए, कंधे साफ दिखें, सफ़ेद या हल्के रंग ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि अनिवार्य है, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनकी वजह से कई बार फॉर्म रिजेक्ट होता है, फिर हमें काफ़ी दुख होता है, ठीक है। और उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी जो कि आपको, इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने पाठ्यक्रम से रिलेटेड जानकारी दी है। हिंदी आएगी 100 मार्क्स की, सामान्य ज्ञान 100 नंबर का, क्वांट आएगा 100 मार्क्स का, और जी रीजनिंग आएगी 100 मार्क्स की, ठीक है। हिंदी के लिए जो भी सिलेबस है वो यहाँ दिया हुआ है। ये PDF मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप टेलीग्राम चैनल कॉमेंट सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया है कॉमेंट में, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं वो दिया है, क्वांट के रिलेटेड दिया है, क्या क्या क्वांट में पूछा जाएगा उसकी जानकारी दी गई है, आपके रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा उसकी जानकारी दी गई है, ठीक है। सो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये पूरी जानकारी है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी। इस PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके कमेंट सेक्शन में दिया है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं @AmanTrivedi, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी ये सारी, आई थिंक जितनी जानकारी दी थी मैंने आपको दे दी, और आशा करता हूँ जितना बताया है समझ में आ गया होगा। अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब आपकी क्वेरी का दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई अभी तो नहीं करना है, बट अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन है, सो लेट्स कीप इट टिल हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो हैशटैग चल रहा है उसको चलाते रहना है। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन आई है, इसमें अभी ना ही एग्जाम डेट मेंशन है, ना ही रिजल्ट डेट मेंशन है, दैट्स व्हाट वी वांट, इसी तरीके के रिफॉर्म्स हम चाहते हैं, तो वो चीज़ें अभी एड्रेस नहीं हुई हैं, तो इसलिए हमें उनको आगे बढ़ाते रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर।